Hey guys, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update from Seekers Adda. Hello friends, welcome to Seekers Adda. Friends, IBPS की तरफ से एक modification आया है, यानी कि आपके exam जो होगा IBPS की तरफ से, उसमें एक छोटा सा change है. So friends, change छोटा हो या बड़ा, आपकी strategy उस हिसाब से होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि क्या change है. Otherwise आप exam center में गए और आपको वो चीज़ वहाँ जाकर पता चलती है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो. तो यहाँ पर ये change ऐसा है कि आपको पहले rough sheet provide की जाती थी exam पे, कि आप वहाँ पर जाते हैं, आपको rough sheet provide की जाती है जिसपे आप अपने solution करते हैं और answer mark करते हैं. लेकिन अब से आपको ये paper rough sheet exam hall में provide नहीं की जाएगी. हाँ फ्रेंड्स, आपको एक ये जो पेपर आपको रफ शीट दी जाती थी, ये आपको नहीं दी जाएगी. इसके बदले में आपको दी जाएगी एक प्लास्टिक लैमिनेटेड शीट, यानी कि यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक लैमिनेटेड शीट दी जाएगी. उसके साथ में आपको एक स्केच पेन दिया जाएगा और उसके साथ में आपको एक पीस ऑफ क्लोथ दिया जाएगा, यानी कि कपड़े का टुकड़ा दिया जाएगा. आपको स्केच पेन और प्लास्टिक लैमिनेटेड शीट का यूज़ करके वहाँ पे कैलकुलेशन करना है, और आपका कैलकुलेशन हो जाता है, फिर शीट आपकी पूरी फिल हो जाती है. फिर आपको उसको इरेज करना है, तो आप कपड़े का यूज़ करके आप उसको साफ़ करेंगे और फिर उसी शीट को आप रीयूज़ करेंगे. तो इस तरीके से वहाँ पर पेपर रफ शीट पूरी तरीके से हटा दी गई, आपको प्लास्टिक लैमिनेटेड रफ शीट दी जाएगी, स्केच पेन दिया जाएगा और कपड़े का टुकड़ा दिया जाएगा जिसको यूज़ करके आपको अपना पूरा कैलकुलेशन करना है. सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है कि हमको आदत रहती है पेपर पे कैलकुलेशन करने की, और अगर आपको पेपर की जगह एक प्लास्टिक रफ शीट दे दी जाए, स्केच पेन और कपड़ा दे दिया जाए, तो आपको वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है. तो इस तरीके से आपको पहले से अपना माइंड सेट करना ज़रूरी है कि नहीं, अब हमें पेपर पर कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें एक प्लास्टिक लैमिनेटेड शीट पर कैलकुलेशन करना है स्केच पेन से. तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है. अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक छोटा सा चेंज अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है. हमारी जो आदत होती है पेपर पे लिखने की, अब अपन एग्जाम में जाके पेपर पर नहीं लिख सकते, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी. इसीलिए अब जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जितना भी अपन को टाइम मिला है, तो अपन इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि हमें इस चीज़ पर कैलकुलेशन करना है, प्लास्टिक शीट पर कैलकुलेशन करना है. तो इस तरीके से जो मॉडिफिकेशन था, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया. अगर आपको यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी उन्हें नहीं होगी तो उन्हें भी प्रॉब्लम होगी. तो इस तरीके से आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम पे कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी एग्ज़ाम के बारे में, तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड.